दोस्तों शरीर में खून की कमी को दूर करने का सबसे आसान व रामबाण उपाय, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। शरीर में हीमोग्लोबिन की उचित मात्रा का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका को बढ़ाने में मदद करता है। हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कणिका आयरन की उपस्थिति के कारण होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में रक्त का बनना शुरू हो जाता है, जिससे एनीमिया जैसे रोग होने लगते हैं। खून की कमी से हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाता और कई तरह के रोग शरीर को अपनी चपेट में ले लेते हैं। हीमोग्लोबिन यानी खून को बढ़ाने के तरीके, हम अपने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ आवश्यक चीजों का इस्तेमाल रोजाना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन कौन सी चीज है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नंबर एक, चकुंदर। चकुंदर में आयरन की उपस्थिति काफी मात्रा में पाई जाती है, जिसका रोजाना सेवन करने से हमारे शरीर में खून की मात्रा संतुलित रहती है। रोजाना 2 गिलास चकुंदर का जूस पीना चाहिए। यह आपके शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि RBC को बढ़ाता है, जिससे नए रक्त का निर्माण होता है। नंबर दो, टमाटर। टमाटर में विटामिन सी की उपस्थिति पाई जाती है, जो हीमोग्लोबिन की मात्रा को शरीर में बढ़ाता है, और इसके अलावा टमाटर का सेवन भी हमारे लिए काफी लाभदायक होता है। नंबर तीन, पालक। पालक के पत्ते में अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा पालक के साग के रूप में खाने से भी हमारे शरीर में खून की कमी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। पालक के 2 या 4 पत्तों को पीसकर उसके रस को 1 गिलास पानी के साथ रोजाना पीना चाहिए। इससे शरीर में होने वाली खून की कमी भी दूर हो जाती है। नंबर चार, राजमा। दोस्तों राजमा में भी आयरन की मात्रा काफी ज्यादा रूप में मिलती है, जिसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को संतुलित रखा जा सकता है। राजमा को हम दाल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम राजमा को पानी में भिगोकर कच्चा भी खा सकते हैं। नंबर पाँच, नींबू। नींबू का इस्तेमाल हम खाने में डालकर कर सकते हैं। नींबू में भी विटामिन सी के कारण ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जब भी खाना खाएं तो उसमें नींबू के रस को निचोड़ दें। नंबर छह, काजू, सेब, अंगूर और पपीता। इसमें विटामिन सी मिलता है, जो हमारे खून में मौजूद लाल रक्त कणिका यानी कि RBC के लिए काफी अच्छा होता है। नंबर सात, अनार का रस। दोस्तों अनार का दाना हमारे शरीर में रक्त को बनाने में मदद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अनार के 1 दाने में 1 बूंद रक्त का निर्माण होता है। रोजाना 2 अनार लें और उन दोनों को पीसकर उसका जूस बना लें और इसे पी जाए। नंबर आठ, मछली अंडा दूध। दोस्तों मछली अंडा दूध से बनी चीजें जैसे पनीर का सेवन करना चाहिए। इन सारे खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 काफी मात्रा पाया जाता है। विटामिन B12 हमारे खून में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई जानकारी, नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।